temple of thy spirit. Let my spirit. In this program today, आज के इस प्रोग्राम में, I want to talk about something very, very vital in Christian marriages. हम मसीही विवाह में जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे विषय पर आपको इस समय बताना चाहते हैं. Many marriages are breaking up today. आज बहुत से जो विवाह है वो तो टूट रहे हैं. So I've titled my message, Is Your Marriage Falling Apart? और इसलिए मैंने अपने संदेश का शीर्षक रखा है कि क्या आपका विवाह बिल्कुल टूटने पर है. Is it breaking up? क्या ये टूट रहा है? And many will say, yes, brother, mine is breaking up. और बहुत से लोग शायद ये कहेंगे कि हाँ भाई मेरा विवाह बिल्कुल मानो टूटने पर है. So many marriages are breaking up. बहुत से जो विवाह है बिल्कुल टूट रहे हैं. Unable to set right the differences. जो भी फर्क है उसे वो सही नहीं कर पा रहे हैं. And unable to get along with each other. और सच में एक दूसरे के साथ में वो नहीं रह पा रहे हैं. Many times marriages break up because of unfaithfulness in one partner. बहुत से जो विवाह है कोई एक पार्टनर अविश्वासी होता है, विश्वासघात करता है, इसलिए उनका विवाह टूटता है. One partner has broken the covenant of marriage. एक पार्टनर ने विवाह की जो वाचा है उस वाचा को तोड़ दिया है, वाचा तोड़ दी है. You know, marriage is very honorable in the sight of God. जानते विवाह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही आदरणीय है. God wants the husband and the wife to be happy together. परमेश्वर चाहता है कि पति और पत्नी एक दूसरे के साथ में खुशी से रहे. He does not want any marriage to break. वो नहीं चाहता कि कोई भी जो विवाह है वो टूट जाए. Because the problems in a marriage just when a marriage breaks up is terrible. क्योंकि इस तरह से विवाह जब टूट जाता है उसके बाद में जो समस्या आती है वो बहुत बहुत भयानक होती है. Children suffer a lot. बच्चे जो है इसमें सबसे ज्यादा दुख उठाते हैं. बच्चों को बहुत दुख सहना पड़ता है. Recently I was in my OPD. हाल ही में मैं अपनी OPD में था. One lady bought a child. और एक बहन अपने बच्चे को लेकर आई. Just a 4-year-old boy. वो बेटा तो केवल 4 साल का था. And he was looking quite normal. और वो सामान्य सा दिख रहा था, बहुत ही सामान्य दिख रहा था. And she said, Doctor sir, what is happening to him? और उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब इस बच्चे को क्या हो रहा है? He whole day is shouting. पूरा दिन भर ये चिल्लाते ही रहता है. And night also he just screaming and shouting. और रात को भी बस चीखते रहता है, चिल्लाते रहता है. I said, what is he shouting at? मैंने पूछा कि ये किस बारे में चिल्लाते रहता है. We don't know. He's just shouting, just standing there and shouting. और उसने कहा मुझे पता नहीं, बस खड़े रहता है, चिल्लाते ही रहता है, चिल्लाते रहता, चीखते रहता. And other doctors have been giving this medicine, that medicine, nothing is working. और दूसरे डॉक्टर ये और वो दवाई दे रहे हैं, लेकिन कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है. So I thought, is there any psychological problem? तो मैंने सोचा कि ऐसे कोई मानसिक रोग की परेशानी है. So I asked, any problem happened in the past 1 month in your family? तो मैंने पूछा कि आपके परिवार में पिछले 1 महीने में ऐसी कोई दुखद घटना हुई या कुछ घटना हुई है? And this was the auntie who came with the child. और ये तो ये आंटी थी जो वहाँ पर उस बच्चे को लेकर आई थी. And she said, yeah, last month the mother and father separated. और हाँ, उसने कहा कि पिछले महीने माता पिता जो है वो दोनों अलग अलग हो गए, वो अलग हुए. Divorced. तलाक हुआ, उनका तलाक हो गया. And that child has been terribly affected. और ये बच्चा जो है इस पर बहुत ही भयानक असर पड़ा है. Then I understood. He is a small child, 4 years. He was so psychologically disturbed because the parents have separated. He was shouting all the time, screaming all the time. तब मैंने जाना कि 4 साल का बच्चा जो कि छोटा सा है, माता पिता अलग होने से वो बहुत परेशान हो गया. वो तो बस दिन भर रात भर चीखते रहता है. God says I hate divorce. परमेश्वर ने कहा मैं तलाक से नफरत करता हूँ. प्रभु ने इसी तरह से कहा है. Don't want marriage to break up because the children suffer. और वो नहीं चाहता कि विवाह टूट जाए क्योंकि बच्चे इसके कारण बहुत दुख उठाते हैं. बच्चों को बड़ी परेशानी होती है. Not only children, even the people who are involved in the divorce, they also suffer. Everyone suffers. केवल बच्चे ही नहीं लेकिन जिनका तलाक होता है वो भी दुख उठाते, सभी लोग दुख उठाते हैं, सभी दुख उठाते हैं. God wants us that we should guard our heart. परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दिल की रक्षा करते चले जाएं. Be faithful to your partner. अपने जीवन साथी के साथ में आप पूरी तरह से ईमानदार रहें, विश्वास योग्य रहें. Don't allow anything to enter your life which will break apart you and your partner. आप अपने जीवन में ऐसे किसी भी बात को आने न दे जो आपके पार्टनर के साथ में आपके जीवन को तोड़ देगा, आपका वैवाहिक जीवन को नाश कर देगा. In Proverbs chapter 4 verse 23. नीति वचन अध्याय 4:23 में इस तरह से लिखा गया है. Just keep and guard your heart with all diligence and vigilance because and above all that you guard your heart for out of it
flows the issues of life. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सोता वही है. कहता है जिस किसी चीज की तुम रक्षा करते हो उससे बढ़कर दिल की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का सोता इसी से बहता है. Says, above all that you guard, guard your heart. सारी बातें जिसकी रक्षा करते हो उससे बढ़कर अपने दिल की रक्षा करो. Watch over it. उसकी निगरानी करते रहो. Satan will try to infiltrate and put other people into your heart and divert you from your partner. शैतान भ्रष्टता लाना चाहेगा और दूसरे लोगों को बीच में लाएगा ताकि आप अपने जीवन साथी को धोखा देते चले जाएं और आपका वैवाहिक जीवन टूट जाएं. And those who are not careful, they'll get easily deceived by Satan. They'll fall into the wrong things. और जो लोग सावधान नहीं हैं, वो तो शैतान के द्वारा आसानी से भरमाए जाएंगे, गलत बातों में गिर जाएंगे. The Bible says in 1 Peter chapter 5 verse 8. पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 8 में बाइबल इस तरह से कहती है. It says, be sober and vigilant because your adversary, the devil, as a roaring lion, he walks about seeking whom he may devour. ये कहता है कि तुम सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई ढूंढते रहता है कि वो किसे फाड़ खाए, किसे वो नाश Verse करे. 9 says, वचन 9 इस तरह कहता है. Whom you resist steadfast in the faith, having the knowing that the same afflictions are accomplished in all your brethren that are in the world, in every other place. विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं. The devil is always after the Christians and the Christian marriages to break them apart. शैतान हमेशा विश्वासियों के पीछे रहता है, विश्वासी लोगों के विवाह के पीछे रहता है ताकि उनके वैवाहिक जीवन को तोड़ दे. वो मानो पूरी तरह से विश्वासियों के पीछे पड़े रहता है. He has two agendas. उसके पास काम करने के केवल दो एजेंडा है. ब्रेक द चर्चेस, कलीसिया को तोड़ दें. ब्रेक द मैरिजेस, और वैवाहिक जीवन को तोड़ दें. डिस्ट्रॉय द क्रिश्चियंस लाइव्स, मसीह विश्वासियों के जीवन को नाश करते. यू नो व्हाई ही डज दैट? जानते हो ऐसा क्यों करता है? सी, अ हैप्पी एंड अ स्ट्रांग एंड अ स्टेबल मैरिज व्हिच ऑनर्स जीसस क्राइस्ट हैज अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स. देखिए, बहुत ही खुश और स्थिर जो विवाह है जो प्रभु यीशु मसीह को आदर देता है उसमें बहुत सी आशीषें हैं. Satan knows that you get lot of blessings when your marriage is strong and happy. He knows that there is a lot of blessings in it. और शैतान ये जानता है कि जब आपका वैवाहिक जीवन मजबूत होता है, आप खुश होते हैं, तो उसमें बहुत सी आशीषें होती है. शैतान इस बात को अच्छे से जानता है. He doesn't want you to have the blessing. और शैतान नहीं चाहता है कि आप आशीषें पाते जाएं. He's like a thief who comes to steal your blessing. और वो तो चोर के जैसे आता है ताकि आपकी आशीषों को चुरा ले. He steals your joy. वो आपके आनंद को चुरा लेता है. He steals your happiness. वो आपकी खुशी को चुरा लेता है. He destroys your marriage. वो आपके वैवाहिक जीवन को नाश कर देता है. Now, what are the blessings you get when your marriage is strong and healthy? जब आपका वैवाहिक जीवन मजबूत होता है, तंदुरुस्त होता है, तो आप कौन सी आशीषें पाते हैं? First thing is, it's a strong witness of the love of Christ. सबसे पहली बात है कि ये मसीह यीशु के प्रेम के बारे में सबसे मजबूत ऐसी गवाही है. Jesus told his disciples, by this shall all men know that you are my disciples by the love that you have one for another. यीशु ने अपने चेलों से कहा कि इसके द्वारा सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, जब तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो तो वो जानेंगे. It's not only between brothers in the church, it also between husband and wife. ये केवल चर्च में भाइयों के बीच में ही नहीं लेकिन पति और पत्नी के बीच भी है, यानी ये परिवार के बीच में भी है. When you love your wife and you are so close to your wife and your wife loves the husband, they are close to each other. It's a big witness. जब आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, पति पत्नी से प्रेम करता है और एक दूसरे के करीब रहते हैं, तो ये बड़ी गवाही के रूप में होता है. People say, oh, these people know Christ and see how happy they are. और लोग कहते हैं कि देखो, ये लोग मसीह यीशु को जानते हैं और देखो ये लोग कितने खुश हैं, इस तरह से कहते हैं. Our lives, we are so miserable, we don't know, maybe the secret is because of Jesus. They'll be drawn to Christ. और वो कहेंगे कि हमारे जीवन में हम दयनीय दशा में हैं, कारण इसका ये हो सकता है कि वो यीशु को नहीं जानते और शायद वो इस कारण यीशु के पास में आ जाएं. Strong and happy marriage is a strong witness for the love of Christ. एक मजबूत और खुश विवाह जो है वो तो मसीह यीशु के प्रेम के लिए बहुत ही मजबूत ऐसी गवाही होता है, साक्षी होता है. The second blessing in a strong marriage is, मजबूत विवाह में दूसरी आशीष जो है वो ये है, वो इस तरह है. The children are well balanced and settled in life. जो बच्चे हैं वो तो बहुत ही संतुलित होते हैं और अपने जीवन में वो स्थिर होती हैं. When the marriage is so happy and the husband and wife love each other, the children are in a very secure atmosphere. जब विवाह बहुत ही खुशी का होता है और जब पति पत्नी खुशी से रहते हैं, तो बच्चे जो हैं सुरक्षा महसूस करते हैं, वो अपने बीच सुरक्षा की भावना को महसूस करती हैं. And they'll be well adjusted individuals when they grow up, they'll also be well adjusted. और वो बिल्कुल सही तरह से adjust होते हैं जब वो बड़े होते हैं, वो भी सही तरीके से adjust हो जाती हैं. They will also have happy families. और वो भी एक खुश परिवार प्राप्त करती हैं. Most of the problems we see are because of people who have come out of broken families. बहुत सी समस्या हम देखते हैं, ये तो उन लोगों के कारण है, वो तो टूटे हुए परिवार में से आती हैं. Recently in Andhra. हाल ही में आंध्रा में
कुछ समय पहले की बात है, आंध्रा में वन बॉय वाज सिटिंग एन 14 ईयर ओल्ड बॉय, एक लड़का बैठा था, बस 14 साल का था। वो सिटिंग इन अ टैक्सी, वो एक टैक्सी में बैठा था। व्हाइल द टैक्सी ड्राइवर वाज ड्राइविंग द टैक्सी ही जस्ट कट हिज थ्रोट, जबकि टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चला रहा था, इस छोटे से बच्चे ने उसका गला काट दिया। Why they asked him, why did you do that? उन्होंने पूछा कि तुमने उसका गला क्यों काट दिया? Oh, the previous day I saw one Telugu movie where it was being done, so I want to practice it. तो उसने कहा, कल के दिन ही मैंने एक तेलुगु फिल्म देखी है, उसमें ऐसे ही बताया गया था, तो मैं ऐसे ही करना चाहता था, मैं इसकी कोशिश करना चाहता था। And they found out that his parents had separated when he was a small boy. और उन्होंने पाया कि जब वो छोटा ही था, तब उसके माता पिता अलग हो गए थे, ऐसे उन्होंने पाया कि माता पिता से वो अलग हो गया था। Many of the problems come because of children who have come from broken families. बहुत सी समस्याएं तो उन बच्चों के कारण आती हैं जो टूटे हुए परिवार से आती हैं। And they become maladjusted. और वो तो सच में इन बातों को सहन नहीं कर पाती हैं। Filled with bitterness. वो कड़वाहट से भरे होती हैं। And hatred for everybody. सबके लिए उनके पास नफरत होती है, घृणा होती है। As they grow older, they become psychologically unstable. और जैसे वो उनकी उम्र बढ़ती जाती है, वो मानसिक रूप में अस्थिर होते हैं। Many of them become, you know, psychopathic people. और उनमें से बहुत से जो लोग हैं, वो तो psychopathic लोग हो जाती हैं, मानसिक रोगी होते हैं। Become criminals. कुछ जो है वो तो अपराधी हो जाती हैं। एंड द रीजन इज बिकॉज द फैमिलीज हैड ब्रोकन अप, और उसका कारण बस यही है कि परिवार टूट चुका है। थर्ड ब्लेसिंग यू गेट इन अ स्टेबल फैमिलीज, और एक स्थिर परिवार में जो आप तीसरी आशीष पाते हैं वो तो यू आर यू योर सेल्फ आर कंटेंटेड हैप्पी एंड फुल ऑफ जॉय, आप खुद जो हैं वो तो संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं और आनंद से भरे होते हैं। इमेजिन इफ ऑल द टाइम यू आर फाइटिंग विद योर पार्टनर, व्हाट सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस डू यू हैव, और कल्पना करें अगर आप अपने जीवन साथी से हमेशा लड़ते रहते हैं तो आप में कौन सी खुशी होगी। द सोलोमन सेज इन द बाइबल, इट्स बेटर टू लिव इन द कॉर्नर ऑफ अ हाउस देन विद अ कंटेंशियस पर्सन, और सुलेमान बाइबल मिस्तर से कहता है कि एक झगड़ालू स्त्री के साथ में रहने के बजाय अच्छा है कि घर के किसी कोने में ही रहे। यू नो, कंटेंशन एंड फाइट एंड स्ट्राइफ इन द हाउस ब्रिंग सच मिजरी एंड होपलेसनेस, परिवार में जो वाद विवाद होता है वो सच में इतना दुख लेकर आता है, वो खुशी को चुरा लेता है। But a strong family where Jesus is honored is such a happy family. एक मजबूत परिवार जहाँ पर यीशु प्रभु है, ये सच में बहुत ही खुश ऐसा परिवार होता है। And you have so much of joy and happiness. और वहाँ पर बहुत ही आनंद और खुशी होती है। Contented. आप संतोष में होते हैं। Fourth blessing you receive. चौथी आशीष जो आप प्राप्त करते हैं। Favor from God. आप परमेश्वर से कृपा प्राप्त करते हैं। When your family is strong and loving each other, God's favor comes upon you. जब आपका परिवार मजबूत होता है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर में आती है। And the 18th chapter of Proverbs verse 22 says, He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from God. नीति वचन अध्याय 18 इस तरह से कहता है कि जिसे एक अच्छी पत्नी मिलती है, वो तो अच्छी चीज पाता है और परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर में होती है। That favor will be throughout your life because God's favor will bless you if you're strong with your wife. God will bless you. और ये कृपा जीवन भर आपके साथ में होती है, आप अपने पत्नी के साथ खुश होते हैं, प्रभु की कृपा आप पर होती है। Because he does not like, he hates divorce. क्योंकि वो तलाक से नफरत करता है, घृणा करता है। He wants to give you a happy family life. वो आपको एक खुश पारिवारिक जीवन देना चाहता है। And he will bless your family if you walk and honor God and live together happily. He will bless you. और वो आपके परिवार को आशीष देगा, अगर आप प्रभु का आदर करते हैं तो वो आपको आशीष देगा। See, all these blessings, Satan knows it. देखिए, ये सारी आशीषें शैतान इसे जानता है। And he wants to destroy your family. He doesn't want you to have this blessing. और वो आपके परिवार को नाश करना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि आप ये आशीष पाएं। And so he wants to break up your family. और बस यही तो कारण है जिसके कारण वो आपके परिवार को तोड़ना चाहता है। The worst thing that can happen to your family, your marriage life. आपके परिवार में जो सबसे बुरी बात हो सकती है, वो तो आपके वैवाहिक जीवन के साथ में हो सकती है। When one of the partners falls into adultery and fornication and breaks the marriage vows, that's the worst thing that can happen. जब एक पार्टनर जो है वह व्यभिचार में गिर जाता है, विवाह की जो वाचा है उसे तोड़ देता है, ये सबसे बुरी बात होती है। वो इस वाचा को तोड़ देते हैं, यही तो बात सबसे बुरी होती है। When there is adultery and unfaithfulness, there's such a deep wound it causes in the other partner. और जब व्यभिचार होता है, विश्वासघात होता है, तो दूसरे पार्टनर के जीवन में ये बहुत बड़े जख्म छोड़ जाता है। Cuts deep into the heart. ये तो दिल में गहराई से चोट पहुंचाता है। You love someone and you have put committed your life to that person and living together and one person is unfaithful. It's a big deep wound in the other person's heart. जब आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, अपना जीवन उसे सौंप देते हैं और वो व्यक्ति जो है वो विश्वासघाती होता है, तो ये दिल में बहुत गहरे जख्म कर देता है, जख्मी कर देता है।
It's one of the worst pains that a man or a woman can have. ये तो सबसे बुरा दर्द है जो कोई स्त्री या कोई पुरुष अपने जीवन में अनुभव करते हैं. Even when God was comparing the people of Israel to his to himself, he said, "You have been unfaithful to me. You have committed adultery against me." God और यहाँ तक कि परमेश्वर जब इस्राएली लोगों की तुलना कर रहा था, तो उसने कहा कि तुमने मेरे विरुद्ध में विश्वासघात किया है. तुमने मानो मेरे विरुद्ध में व्यभिचार किया है. Because you have gone after all the idols and you have left me. तुम सारी मूर्तियों के पीछे चले गए, तुम मुझे छोड़कर चले गए, इस तरह वो कहता है. And God felt the pain of it like how a person commits adultery against another person, how the person feels pain, that much pain God felt. और परमेश्वर ने उस दर्द को महसूस किया जैसे कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, उसके बाद में जीवन साथी जैसा दर्द महसूस करता है, परमेश्वर ने उसे महसूस किया. So that's why I'm saying unfaithfulness in a marriage is the worst thing that can happen to your marriage. और इसलिए मैं कहता हूँ कि विवाह में विश्वासघात जो है वो तो विवाह के साथ में हुआ सबसे बुरा व्यवहार है. Bible puts it like this. बाइबल इसे इस तरह से बताती है. 1 Corinthians 6:18. पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:18 कहता है, हम इसे पढ़ते हैं. It says, flee fornication, flee from impurity in thought, word and deed, because any other sin which is a man commits is outside the body, but he who commits sexual immorality, he sins against his own body. वे विचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर के हैं, परंतु वे विचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध में पाप करता है. जो व्यभिचार करता है अपनी देह के विरुद्ध में पाप करता है. Verse 19 says, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, and who lives in you, and that you are not your own? वचन 19 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? Adultery and fornication is a very serious sin in the Christian marriage. व्यभिचार या परस्त्री गमन जो है ये तो मसीह विवाह में सबसे भयानक पाप है. And God does not take it lightly. और परमेश्वर इसे हल्के रूप में नहीं लेता है. बिकॉज इट इज समथिंग विच गोस अगेंस्ट वॉट गॉड हैज गिवन, वॉट इज होली इन द साइट ऑफ गॉड, इट गोस अगेंस्ट इट. क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र है, ये जो है ये तो उसके विरुद्ध में जाता है, ये उसके विरुद्ध में है. मैरिज इज अ वेरी प्रेशियस थिंग इन द साइट ऑफ गॉड. विवाह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य है. वन पर्सन कमिट्स अडल्ट्री एंड अनफेथफुलनेस, इट्स अ वेरी टेरिबल थिंग इन द साइट ऑफ गॉड. जब कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, विश्वासघात करता है, ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही भयानक बात होती है. परमेश्वर इससे घृणा करता है, प्रभु को ये पसंद नहीं. Don't think, oh, that cannot happen to me. I'm not like that. ये ना सोचे कि ये मेरे साथ में नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं हूँ. I will tell you a story. चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ. बहुत बहुत साल पहले. One person from another community, I was able to bring him to Christ. एक और अविश्वासी परिवार में से एक व्यक्ति था जिससे मैं विश्वास में लेकर आया. I shared the gospel to him and he accepted Jesus. मैंने उसे सुसमाचार बताया और उसने यीशु को स्वीकार किया. Almost 15 years back. लगभग 15 साल पहले की बात है. And he was truly, sincerely he followed Christ. और बड़े ईमानदारी से वो मसीह यीशु के पीछे चल रहा था. And one day he asked me, Dr. Paul, I want to get married to a girl. Shall I marry one of the local girls? I said no. और एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर पॉल, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, क्या मैं एक अविश्वासी लड़की से शादी करूँ? मैंने तुरंत कहा नहीं. So I taught him the principles. I said, no, don't marry somebody from local, marry only another Christian believer. मैंने ये कहा कि आप अविश्वासी से शादी मत कीजिए, केवल दूसरे विश्वासी लड़की से आप शादी कीजिए, इस तरह से मैंने बताया. And he said, brother, how can I find a Christian wife among my community? There's nobody else is a Christian. और उन्होंने कहा, भाई, मेरे समाज में तो कोई भी मसीह विश्वासी नहीं है, मैं कैसे एक मसीह लड़की को ढूंढूं? I said, brother, don't worry, God will provide. We will pray for it. Both of us started praying. मैंने कहा, भाई, चिंता मत कीजिए, आप इसके बारे में प्रार्थना कीजिए. और इस तरह से हम दोनों ने प्रार्थना करना शुरू कर दी. In 3 years, God gave him a good Christian wife. 3 साल के अंदर ही परमेश्वर ने उन्हें एक बहुत ही अच्छी विश्वासी पत्नी दी. They were so happy together. वो एक साथ बहुत खुश थे. Two lovely children. दो प्यारे प्यारे बच्चे हुए. And God gave them a ministry. और परमेश्वर ने उन्हें सेवकाई दी. And they had almost 8 other children they adopted, unwanted children. और उन्होंने लगभग 8 और बच्चों को गोद ले लिया, अनाथ बच्चों को उन्होंने गोद ले लिया. And they were so happy together. और वो एक साथ मिलकर बहुत ही खुशी में थे. 1.5 years back. लगभग 1.5 साल पहले की बात है. From his wife, she called me and she said, "Brother Paul, please come. We are having problems." और वहाँ पर उनकी पत्नी ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा, भाई पॉल, हम परेशानी में हैं, आप जरूर आकर हमारी मदद करें. I was shocked. मैं चौंक गया. I said, this brother, I know him so well, he's so good in the Lord, how can they have problems? और मैंने कहा, ये भाई, मैं जानता हूँ ये प्रभु में बहुत अच्छे हैं, इन्हें ये समस्या कैसे हो सकती है? I went to the house. मैं उनके घर में गया. My wife and I went together. मैं और मेरी पत्नी अक्सर एक साथ जाते हैं. And we sat with them and were talking with them.
हम वहाँ पर बैठकर उनसे बातें करने लगे। And I could see the hatred in his eyes. और मैं उसकी आँखों में उस नफरत को देख सकता था, नफरत जो सहन करने से बाहर थी। I could see from his eyes he hated his wife. मैंने देखा कि उसकी आँखों में वो अपनी पत्नी से नफरत करता था। I was shocked. I said, how could this happen? मैं चौंक गया। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? How can they be so much of hatred when previously there was so much of love? और जबकि पहले इतना प्यार था, इतनी नफरत इनमें कैसे आ गई? अभी इनके बीच में इतना द्वेष क्यों आ गया? Then I came to realize. और फिर मैंने इस बात को जाना। There was another woman involved. वहाँ पर एक और स्त्री इस बात में जुड़ी हुई थी। वहाँ पर कोई और स्त्री इस मामले में जुड़ी हुई थी। They got a lady from another state. वो किसी स्त्री को दूसरे किसी राज्य से लेकर आए थे। Unmarried girl. उस लड़की की शादी नहीं हुई थी। Look after the children. कि वो बच्चों की देखभाल करें। Slowly he developed a relationship with that girl. धीरे-धीरे इन्होंने उस लड़की के साथ में संबंध बना लिए। Then I asked the Lord. फिर मैंने प्रभु से पूछा। I said, Lord, how could this happen? मैंने कहा, प्रभु, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? He was such a strong person. ये तो सच में एक बहुत ही मजबूत विश्वासी थे। How did this happen? ये सब कुछ कैसे हो गया? The Lord spoke to me. प्रभु ने मुझसे बातें की। Said, my son. उसने कहा, मेरे बेटे। I talked with him many times. I warned him. मैंने इसे बहुत बातें की, इसे बहुत चेतावनी दी। My spirit warned him, don't allow those thoughts to enter your heart. मेरी आत्मा ने इसे चेतावनी दी कि इन विचारों को अपने दिल में मत आने देना। He did not listen to me. इसने मेरी बात नहीं सुनी। He became rude to his wife. और ये अपनी पत्नी से कठोरता से व्यवहार करने लगा। Angry words. ये गुस्से, क्रोध और द्वेष के शब्द कहने लग गया। His heart was turning towards the other person. क्योंकि इसका जो दिल है उस दूसरी लड़की की ओर फिरने लग गया था। I warned him many times, God said. प्रभु ने कहा, मैंने इसे बहुत बार चेतावनी दी थी। So listen to me. लेकिन इसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। And some years before that, three years before that I met him, he said he had fallen into adultery. The Lord spoke to me. और जब 3 साल पहले मेरी इससे मुलाकात हुई थी, प्रभु ने कहा, उस समय तक तो ये व्यभिचार में गिर चुका था, प्रभु ने कहा। Even till today. यहाँ तक कि आज भी। That brother is not back in the Lord. वो भाई प्रभु में कभी वापस नहीं आए। The Lord told me one thing very important. प्रभु ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे बताई। I warned him many times and he refused to listen. Finally, my spirit left him. मैंने उसे बहुत बहुत बार चेतावनी दी, लेकिन उसने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया, इसलिए मेरी आत्मा उसे छोड़कर चली गई। Remember one thing. एक बात याद रखिए। Continue to live in sin. अगर आप पाप में बने रहते, जीते Keep रहते resisting हैं, the voice of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की आवाज का इनकार करते रहते हैं, Don't listen and obey what he says. जो वो कहता है उसकी आज्ञा नहीं मानते, उसके अनुसार नहीं करते हैं, the time will come. तो ऐसा समय आएगा, Spirit of God will leave you. परमेश्वर का आत्मा आपको छोड़कर चला जाएगा। Bible says, my spirit will not always strive with man. बाइबल कहती है कि मेरी आत्मा हमेशा मनुष्य से लड़ते नहीं रहेगी। King Saul kept disobeying God. राजा शाऊल परमेश्वर की आज्ञा भंग करते रहा। बाइबल says, और बाइबल कहती है, Spirit of God left him. परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला गया। Evil spirit came और उसमें एक दुष्ट आत्मा आया। Be careful that doesn't happen to you. आप सावधान रहें कि यह आपके साथ में ना हो। People are just disobeying the word of God because of the lust in their own heart. बहुत से लोग परमेश्वर के वचन की आज्ञा भंग कर रहे हैं क्योंकि उनके दिल में बड़ी अभिलाषा है। Like this brother that I'm talking about. ये भाई ऐसे भाई के जैसे जिनके बारे में मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। Blinded his eyes. अभिलाषा ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया था। He was drawn by his own lust. वो तो अपनी अभिलाषा में मानो खींचे चले जा रहे थे। And he committed sin. और फिर उन्होंने पाप किया। Well, he was not able to even repent. और जब वो पाप में गिर गए तो वो पश्चाताप भी नहीं कर पाए। Many people go to such an extent, they're not able to come back. बहुत से लोग इस हद तक जाते हैं कि वो वापस नहीं आ पाते हैं। It doesn't happen suddenly. लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं होता It's है। It's a process. ये तो एक बड़ी ऐसी क्रिया है। On resisting the word of God. यदि हम निरंतर परमेश्वर के वचन का इनकार करते रहें। Initially you knew that it was wrong, but you didn't correct yourself. शुरू में आप जानते रहें कि ये बात गलत है, लेकिन आपने अपने आप को नहीं सुधारा। And finally, you fell off from God. और अंत में आप परमेश्वर से दूर Now चले गए। His brother is not able to come back. He doesn't even feel sorry for what he's doing. अब ये भाई वापस नहीं आ पा रहे हैं। जो कुछ भी उन्होंने किया उसके लिए उन्हें खेद doesn't भी नहीं me, है। He doesn't talk to me. He avoids me. वो मुझसे बात नहीं करते, नफरत करते, मेरे सामने नहीं आते हैं। वो मुझसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। He avoids all Christians. वो तो सभी विश्वासियों से दूर ही रहते हैं। Because of that guilt in his heart. उनके दिल में ये जो दोष है इसके कारण। And he is enjoying the sin that he's doing. और वो जो पाप करते आ रहे हैं उसका वो आनंद उठा रहे हैं। Poor wife and the children are suffering. और बेचारी पत्नी और बच्चे इसका दुख उठा रहे हैं। Remember one thing. एक बात आप याद रखिए। If you are unfaithful to your partner.
अगर आप अपने जीवन साथी के साथ में वफादार नहीं हैं, योर स्पाउस एंड योर चिल्ड्रन विल सफर, तो आपके जीवन साथी और आपके बच्चे दुख उठाएंगे। एंड गॉड विल नॉट टेक इट लाइटली, और परमेश्वर इसे कभी हल्के रूप में नहीं लेगा। वेरी सीरियस थिंग इन द साइट, ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही गंभीर बात है। एवरी चाइल्ड दैट इज इन योर होम, इट्स अ प्रेशियस थिंग इन द चाइल्ड ऑफ गॉड, हर एक बच्चा जो आपके घर में है ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत कीमती है, बहुत ही बहुमूल्य है। Remember, if your actions are going to offend that child, God says it's better for you to have a millstone and hang it, drown yourself in the water. याद रखिए कि अगर आपकी कोई क्रिया उस बच्चे को ठोकर खिलाती है, तो वचन कहता है कि अच्छा है कि आप चक्की का पाट लगाकर पानी में डूब जाएं और वहाँ पर खत्म हो जाएं। An innocent child's life gets spoiled. God doesn't take it lightly. एक मासूम बच्चे का जीवन अगर बर्बाद हो जाता है, तो परमेश्वर इस बात को हल्के रूप में नहीं लेता है, परमेश्वर इसे हल्का नहीं लेता है। He will not tolerate it. वो इस बात को सहते नहीं रहेगा। And you will have to face the punishment, the wrath of God. आपको परमेश्वर के क्रोध का सामना करना होगा। Take it seriously. इसे गंभीरता से ले। Don't take it lightly. इसे हल्के रूप में बिल्कुल न ले। You have been living in adultery. अगर आप व्यभिचार में जी रहे Repent हैं, of it now. अभी इससे पश्चाताप कर लें। Come out of it. उससे बाहर आ जाएं। Don't face the wrath of God. परमेश्वर के क्रोध का सामना न करें। If a man confesses his sin and forsakes it, he will obtain favor from God. यदि कोई अपने पापों का अंगीकार करता है, उसे छोड़ देता है, तो परमेश्वर की कृपा की दृष्टि उसके ऊपर में होती है। But if you cover up your sin, लेकिन यदि आप अपने पापों को ढांपते हैं, you will not obtain any favor. तो आप कोई कृपा नहीं पाएंगे। You will never prosper. कभी संपन्न नहीं होंगे। It is important that you realize. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इस बात को जान लें। What you are doing? कि आप क्या कर रहे हैं? Think of what is happening to your children. आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, इसके बारे में सोचिए। Think what happens to your partner. आपके जीवन साथी के साथ में क्या हो रहा है, इस बात के बारे में जरूर सोचिए। आपने जो पाप किया उसके लिए पश्चाताप करें। प्रभु के सामने उसका अंगीकार करें। God will forgive you. प्रभु आपको माफ करेगा। God will restore you. प्रभु आपको नया बनाएगा। That's what God told me about that brother. प्रभु ने उस भाई के बारे में मुझे यही बात बताई थी। He said, if that person repents, उसने कहा यदि वो व्यक्ति पश्चाताप करता, he comes back, और वो वापस आ जाता, I will forgive him. अगर वो वापस आए, I will restore all the joy back to him. अगर वो वापस आए तो मैं उसे सारा आनंद लौटा दूंगा। But the choice is his. लेकिन जो चुनाव है वो तो उसका है। The choice is yours. चुनाव अभी आपका है। Going to continue in your sinful ways? क्या आप अपने पाप में मार्गों में आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे? Or are you going to come back? या फिर आप वापस आना चाहते हैं? And once again receive God's favor in your life. और फिर से एक बार अपने जीवन में प्रभु की कृपा पाना चाहते हैं? If you have been living in sin now, अगर अभी आप पाप में जी रहे हैं, why don't you repent? तो क्यों ना अभी पश्चाताप कर लें? Why don't you pray with me now? क्यों ना अभी मेरे साथ में आप प्रार्थना कर लें? God will hear your prayer. प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। He will forgive you. आपको क्षमा करेगा। Confess it to your spouse and say, I have sinned against you. अपने जीवन साथी के सामने अंगीकार कर ले और कहे कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। Either husband to the wife or wife to the husband. Confess it and ask forgiveness. पति पत्नी से, पत्नी पति से, आप अपने पापों का अंगीकार करें, क्षमा मांगे। God will give grace to forgive. परमेश्वर अनुग्रह देगा कि क्षमा करे। अभी आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। Lord, I have sinned against you. प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। I've been unfaithful to my partner. मैं अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात करते आया हूँ प्रभु। I've been unfaithful in my thought life. मेरे विचारों के जीवन में मैं विश्वासघाती रहा हूँ। I've been unfaithful in my deeds. मेरे अपने कामों में मैं विश्वासघाती रहा हूँ। I've caused lot of pain to my family. मेरे कारण मेरे परिवार में बहुत सा दर्द आया है। Forgive me, Lord. मुझे माफ कर प्रभु। I repent of what I've done. मैंने जो कुछ किया उसे पश्चाताप करता हूँ। Restore my family. मेरे परिवार को नया बना। Bring back the joy into my life. मेरे जीवन में वो आनंद फिर से लेकर आ जा। Restore me to your fellowship with you again. तेरे साथ की संगति में मुझे फिर से जोड़ दे। Thank you for hearing my prayer. मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। Jesus name I pray. यीशु के नाम में मांगता हूँ। King David. राजा दाऊद। When he fell into adultery. जब वो व्यभिचार में गिर गया। He repented. उसने पश्चाताप किया। God restored him. और परमेश्वर ने उसे नया बनाया। It can happen to anyone. ये किसी के भी साथ हो सकता है। Next week I will tell you how to avoid falling into adultery. अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगा कि व्यभिचार में गिरने से आप किस तरह से बच सकती हैं। How to guard your family? कैसे आप अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं ये बताऊंगा। How to guard your heart? और कैसे अपने दिल की रक्षा कर सकते हैं। No one can say it'll never happen to me. It can happen to anybody. कोई नहीं कह सकता कि ये मेरे साथ नहीं होगा, ये किसी के भी साथ हो सकता है। But we need to know how to guard ourselves. लेकिन हमें जानना होगा कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकती हैं। I will teach you next week. अगले हफ्ते मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। God bless you. प्रभु आपका आशीष दे।